हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ फेस इट कॉस्मेटिक्स मिनरल फेस पाउडर। This powder has been a popular choice among beauty enthusiasts, but does it live up to the hype? In this video, I shall be sharing my thoughts on the packaging, shade range, texture, coverage, wear time and more. So let's dive in and see if this powder is worth adding to your makeup collection or not. अच्छा, तो सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात करेंगे। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये पूरा जो है वो ब्लैक में बना हुआ है और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको इजीली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर इसका एप्लीकेटर भी मौजूद है जिससे हम जो है पाउडर अपने फेस पे लगा सकते हैं। इसके अंदर मिरर भी अवेलेबल है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास मिरर नहीं है तो अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो इसके अंदर ऑलरेडी मिरर अवेलेबल है, तो इससे भी बहुत आपका काम जो वो ईजी हो जाता है। कि अगर मतलब मुझे तो वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं जिसके साथ मिरर होता है, क्योंकि कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपके पास मिरर अवेलेबल नहीं होता तो ऑब्वियसली आपको जो है वैसी प्रोडक्ट लेनी चाहिए जिसके साथ मिरर वगैरह हो। अच्छा, तो इसके अंदर बहुत से शेड्स अवेलेबल है। जब भी आपने पाउडर को बाय करना है तो आपने पहले अपना स्किन टोन देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो शेड इसका बाय करना है। मेरे पास जो शेड है वो 3 है। मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने लिया था, जो मेरी स्किन टोन है वो उसके ऊपर 3 शेड अच्छा बेस्ट रहता है। तो जब भी आप लोगों ने बाय करना है तो आपने पहले चेकआउट कर लेना है कि आपकी जो स्किन टोन है वो उस पाउडर जो आपने पाउडर का शेड चूज़ किया उसके साथ बेटर है या नहीं। नाउ मूव ऑन टू द टेक्सचर एंड एप्लीकेशन। टेक्सचर इसका बहुत स्मूथ और फाइन है, मेकिंग इट अ जॉय टू अप्लाई। इसको ब्लेंड करना भी बहुत ईजी है। आप इसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर लें। ब्रश होते हैं वैसे स्पेशल पाउडर को ब्लेंड करने के लिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके साथ एप्लीकेटर है, एप्लीकेटर से भी बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है, आप कर लें। और बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ब्लेंड इजीली ब्लेंड हो जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। यही इसकी चीज़ जो है ना वो मुझे अच्छी लगती है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि उनको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं हमेशा वो वाली चीज़ को ढूंढती हूँ जिसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना पड़ता और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगती, और ये बिल्कुल वैसे ही है। इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना पड़ता, खुद ही जो है ये ईज़िली सेट हो जाता है आपके फेस पर। इस पाउडर की कवरेज भी बिल्डेबल है। ये इफ़ेक्टिवली कंसील कर देता है माइनर इम्परफेक्शंस को और इवन आउट कर देता है स्किन टोन को और एक नेचुरल सी लुक दे देता है। हाउएवर दोज सीकिंग फुल कवरेज में फाइंड दिस पाउडर लैकिंग। अगर आप इस पाउडर को हैवी कवरेज के लिए लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें। ये एक आपको ना ये ऐसा पाउडर है कि आपको एक नेचुरल सी लुक देता है, आपको वो हैवी जो कवरेज है वो नहीं देता। अगर आप हैवी कवरेज के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लें। अगर आप नेचुरल लुक के लिए ले रहे हैं, नेचुरल जो है ना वो ये नेचुरल लुक ही देता है। और जैसे कि हमारी अब टीनेज स्किन है तो उसके लिए फुल हैवी कवरेज तो नहीं चाहिए होती, नेचुरल सी लुक चाहिए होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 6 to 7 आवर्स तक ये रहता है विदाउट फेडिंग और गेटिंग ऑयली। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत हाई क्वालिटी के और ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है स्किन के लिए, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हार्श हो, हार्मफुल हो आपकी स्किन के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। जो मेकअप प्रोडक्ट्स मिनरल होती है वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, ऑयली है तो ये आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देगा, हार्श केमिकल्स नहीं है इसके अंदर, ना ही आपकी स्किन को वो जो है ना ख़राब करेगा। तो आप इसको इजीली डेली एवरीडे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो कंपेयर टू अदर मिनरल पाउडर्स ऑन द मार्केट, फेस इट कॉस्मेटिक्स स्टैंड आउट फॉर इट्स स्मूथ टेक्सचर एंड बिल्डेबल कवरेज। हाउ एवर इट फॉल्स शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ शेड रेंज कंपेयर टू सम अदर ब्रांड्स। द प्राइस पॉइंट इज़ रिजनेबल बट नॉट एक्सेप्शनल कंसीडरिंग द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। आप इस पाउडर को लोकल मार्केट से बाय कर सकते हैं, या फिर अगर लोकल से नहीं करना तो आप द्रास से बाय कर सकते हैं, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। बाकी इसकी प्राइस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैंने आज चेकआउट की थी तो वो थी 1400 समथिंग, और अगर आप लोकल से बाय करते हैं, लोकल मार्केट से, लोकल शॉप से, तो आपको 600 to 800 तक मिल जाएगी इजीली। ऑनलाइन आपको थोड़ा सा जो है ना एक्सपेंसिव लगेगा दराज और इनकी वेबसाइट पे। अगर आप लोकल में बाय करते हैं तो आपको इससे कम प्राइस में मिल सकता है। और अगर फिर भी आप लोग ऑनलाइन ही बाय करना चाहते हैं तो आप लिंक खोल के वहाँ से आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मैं लिंक दराज और इनकी वेबसाइट का दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। बाकी ये मेरी तरफ से तो ठीक है, अगर आपको जो है ना नेचुरल लुक चाहिए तो उसके लिए बेस्ट है। मैं क्योंकि मैंने वो बात की थी हाई कवरेज, तो इतनी हाई कवरेज और हैवी कवरेज नहीं है। अगर आप उसके लिए लाइक हैवी कवरेज के लिए लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी ना लें, नेचुरल लुक के लिए लें। अगर लेना चाहते हैं तो फिर ये बेस्ट है, नेचुरल लुक के लिए अच्छा काम करेगा। And that's it for today's video. Thanks for watching, guys. I hope you found this review helpful in making your decision about trying the Face It Cosmetics mineral face powder. Don't forget to subscribe and hit that notification bell for more honest reviews and makeup content. Let me know in the comments below what you thought about this product or if you have any other questions. Until next time, stay beautiful and stay informed. Allah Hafiz.